मेरे बिना मिनिस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते एक नजर आज की हेडलाइन पर। अमरावती जिला चांदूर बाजार में नवरात्रो का माहौल। नागपुर से नितिन और सुनील की टिकट फाइनल। कांग्रेस पार्टी के 51 नाम तय। पहली सूची जारी। ब्रह्मपुरी से बड़े टीवार, तीसा से यशोमती। पैन कार्ड आधार लिंक का समय सीमा बढ़ाई गई। अब खबरें विस्तार से। नवरात्र की शुरुआत 29 सितंबर से शुरू हो गया है, जहां हर जगह मां दुर्गा की तैयारियों में भक्त का उत्साह देखने को मिलता है। पूरे भारत में मां दुर्गा के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का तांता हर जगह देखने को मिलता है। जगह जगह सार्वजनिक दुर्गा स्तव मंडलों की प्रतिमा का स्वागत बैंड बाजे के साथ किया गया है। अमरावती के करजगांव तालुका चांदूर बाजार में मंडलों ने भी सार्वजनिक नवरात्रो का आयोजन बड़े ही उत्साह के साथ किया है। 21 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली अधिकृत सूची जारी कर दी है। पहली सूची में 51 सीटों के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है, जिसमें नागपुर जिले की 12 विधानसभा सीटें में 2 का भी समावेश है। उत्तर नागपुर से पूर्व मंत्री नितिन राउत को टिकट दे दी गई है। वहीं जिले सावनेर से विधानसभा सीट से एमएलए सुनील केदार का नाम घोषित कर दिया गया है। नवरात्रि शुरू होते ही रविवार शाम 7 बजे कांग्रेस ने महाराष्ट्र के लिए 51 प्रत्याशियों को अपनी पहली सूची जारी कर दी गई है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष थोरात को संगमनेर और नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार को ब्रह्मपुरी से घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री रहे अशोक चव्हाण अपनी पत्नी की जगह भोकर से उम्मीदवार बनाए गए हैं, जहां पृथ्वीराज चव्हाण का नाम घोषित नहीं किया गया है। जहां तिवसा से यशोमती ठाकुर का नाम घोषित कर दिया गया है। पैन आधार लिंक समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस बारे में एक आदेश जारी किया है। पहले यह समय सीमा 30 सितंबर तक ही थी। MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए MNS News के साथ। धन्यवाद।